नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के YouTube चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संसद, यानी हम संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारतीय जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। भारतीय राजनीति विश्व में सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स है। हमारी जो देश की जो राजनीति, हमारे देश की जो सरकार, शासन, जो भी चीज़ चलती है वो हमारे संविधान के अनुसार चलती है, और उस चीज़ का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे देश में क्या है, संसद है। संसद हमारे देश की सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से कह लो संस्था है, जो हमारे देश को अच्छे से चलाने में क्या करती है, मदद करती है। हमारे देश के सारे नेता जितने भी हैं, सभी लोग संसद के अनुसार ही और संसद में ही जाकर क्या करते हैं, नियम कानून वगैरह बनाते हैं। हम बात करते हैं भारतीय संसद की। भारतीय संसद को ब्रिटिश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। यानी जो भारतीय संसद है उसे ब्रिटिश व्यवस्था के तहत क्या किया गया है, विकसित करके रखा गया है। भारतीय संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में आ रहा है। किसमें है? भारतीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 79 में किया गया है। ठीक है, जब हम बात करते हैं भारत की संसद की, ठीक है, यानी इंडियन अगर बात करें तो पार्लियामेंट की बात करें, तो भारतीय संसद जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला पार्ट होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। यानी भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीन चीजों से क्या मिलकर बनती है, भारतीय संसद। इस तरीके से इन तीनों से मिलाकर हम भारतीय संसद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। भारतीय संसद विश्व में कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर हम जिस सत्ता का निर्माण करते हैं उसे हम संसद बोलते हैं। ये व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटिश से ली गई है। भारतीय संसद में लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, और राष्ट्रपति का काम होता है संसद में सत्र बुलाना, यानी कार्य करना, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उन कार्य को करना किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है कि वो सत्र वगैरह को क्या करता है, आमंत्रित बुलाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज लोकसभा के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। फिर दूसरी वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो आज हम सिर्फ लोकसभा के बारे में बात करने वाले हैं कि भारतीय संसद में लोकसभा, जो सबसे महत्वपूर्ण सदन भी माना जाता है, वो किस प्रकार से काम करता है। इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करें, लोकसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन। या इसे, इसका कार्यकाल 5 सालों का होता है और इसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। यानी लोकसभा का निर्वाचन जो होता है वो कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। इसके यानी जो इसके मेंबर्स चुने जाते हैं वो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं और सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के आधार पर, याद रखना, हमारे देश में प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो किसके आधार पर बनता है? लोकसभा के आधार पर बनता है। हमारे देश में, हमारे देश में हाउस ऑफ द पीपल्स, ये लोकसभा को कहा जाता है, और 1954 में इसको ये नाम दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में इसे कहा गया था, जिसे क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल्स भी बोला जाता है। लोकसभा में अगर बात करें सदस्यों की, तो लोकसभा में कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 545 सदस्य हैं, और मैक्सिमम यानी हाईएस्ट हमारे लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं। तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान सदस्य। जब हम वर्तमान सदस्य की बात करते हैं तो 545 सदस्य हैं इस समय, जिसमें से 543 सदस्य तो चुने जाते हैं। क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। इसमें 530 राज्य से चुने जाते हैं और 13 किससे चुने जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। जबकि 545 में से 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब ये एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? हमारे देश में अंग्रेज थे। जब अंग्रेज चले गए तो बहुत सारे ऐसे अंग्रेज थे जिन, कुछ अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं से शादी की और कुछ अंग्रेज की महिलाएं थी जिन्होंने भारतीय पुरुषों से शादी की, तो उनके कुछ उनके वंशज जो भारत में रह गए हैं उनको भी 2 लोगों को जगह देते हैं और ये राष्ट्रपति द्वारा तरीके से मनोनीत किए जाते हैं और ये एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं। इस तरीके से अभी वर्तमान में हमारे देश में लोकसभा में 545 सदस्य मौजूद हैं। लोकसभा के सदस्यों की अगर योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उसकी 25 वर्ष तक एज होनी चाहिए।
25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो हम आगे देखेंगे। अभी कौन उपाध्यक्ष है, कैसे इसका क्या होता है। अगर हम लोकसभा में बात करें हाईएस्ट मैक्सिमम सदस्य की, तो लोकसभा में हाईएस्ट सदस्य 552 है। कितने हैं? 552 सदस्य हैं, जिसमें से दो लोग तो एंग्लो इंडियन ही चुने जाएंगे और 550 सदस्य तक चुने जा सकते हैं, जिसमें से 530 राज्य के हैं और 20 लोग किसके हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। ये तो हमारे लोकसभा का एक तरीके से क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया कि लोकसभा का स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्या होता है, काम करता है। अगर हम आगे देखें तो लोकसभा के स्ट्रक्चर के बाद बात करें तो लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है उसको हम देखेंगे। देखिए लोकसभा का एक तरीके से बात करें तो जो प्रधान अध्यक्ष होता है, एक तरीके से प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, जो भी लोकसभा में को एक तरीके से संचालित करते हैं, वो तो क्या होता है उसका तो एक अलग से अध्यक्ष होता है। लेकिन मंत्रिपरिषद जो बनती है, यानी जो हमारा लोकसभा मेन जिसके स्ट्रक्चर पे काम करती है, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री, इन सबका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब यह अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, विपक्ष सरकार को हराने के लिए या उसे गिराने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए क्या करती है, प्रधानमंत्री यानी पार्टी जो भी पक्ष में है, जो बहुमत में पार्टी है, उसको विश्वास क्या करती है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, जिसकी वजह से वो पार्टी या तो सत्ता से गिर जाए या तो उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम आपके पास 50 सदस्य होने चाहिए। एक सदस्य लिखित में देगा, किसको? अध्यक्ष को, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसे देगा, और तब जाकर अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, आएगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और ये एक कार्य मतलब एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है, ये नहीं कि बार बार आप ला रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार लाया जा सकता है। अगर जैसे कि हमारे लोकसभा में सरकार, जो सरकार होती है उसमें अभी 545 सदस्य हैं, आपको पता ही है 545 सदस्य हैं, तो बहुमत के लिए कितने चाहिए, 273 होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई पार्टी, अगर कोई विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो ये वाली संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी, सिद्ध करनी पड़ेगी। कहीं आपकी 260 रह गई या 273 से जितनी भी कम रह गई तो आपकी सरकार क्या हो गई, गिर जाएगी। इसलिए कई बार विपक्ष क्या करता है, हराने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए पक्ष को इस तरह की चीजें क्या होता है, करता है। इससे क्या रहता है कि पार्टी का एक तरीके से काम करने का और एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या रहती है, बनी रहती है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लोकसभा में बात करें तो न्यूनतम, अगर लोकसभा का कार्यकाल शुरू, सत्र शुरू करना है तो न्यूनतम सदस्य 1/10 यानी एक तिहाई, मतलब 1/10 हिस्सा होना चाहिए। पहले लोकसभा जो महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमारी थी, पहले अध्यक्ष जो थे वो जीवी एक तरीके से मालवंकर थे, और वर्तमान में ओम बिरला जो है वो लोकसभा के क्या अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से हमारे देश की लोकसभा है जो शासन और सत्ता को चलाने में मदद करती है, और ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, किसका, लोगों का, यानी आम जनता के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से क्या होती है, आगे बढ़ती है। जबकि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा का, वो उच्च सदन है और वो अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।